हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन या लोन रिस्ट्रक्चर या लोन रिकास्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि HDFC बैंक ने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था, आज के वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके भी लिंक अवेलेबल होना शुरू हो गया, आपको बस चेक करना है कि वो लिंक उनके ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल है कि नहीं। उसके लिए देखिए, आपको किसी भी बैंक से, और आपको कोई भी बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, जिस बैंक से भी आपका लोन चल रहा है, आपको बस इतना करना है कि आप उनके ऑफिशियल साइट पे जाइए। ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए भी क्या करना होगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में बहुत मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई किया जाता है। आप उनके ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि उनके ऑफिशियल साइट पे जाए कैसे। आपका गूगल होगा, आपका जो भी बैंक है, बस आप उसका नाम टाइप कीजिएगा, वो बैंक का ऑफिशियल लिंक आ जाता है, आप उस पर क्लिक करके जाइएगा। वहाँ पे जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट होंगे उसमें चेक कीजिएगा, वहाँ पे लोन रिकास्ट या लोन रिस्ट्रक्चर या इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगा तो वहाँ पे रहता है लिंक पे, आप वहाँ पे चले जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले जो जो चीज वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, देखिए ये बैंक बाय बैंक चेंज होता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं बता सकता कि ये बैंक ये मांग रहा है। वहां पे सबसे पहले आपके लोन को डिटेल को मांगा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपका लोन कितना है। आपका लोन 10 लाख से कम है, आपका लोन 10 लाख से ज्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान है कि अगर उनका लोन 31 मार्च तक अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या किया जाए। तो इसके लिए परेशानी थोड़ी सी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आपको बता रहे हैं कि मार्च तक सारी EMI पे होने चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं, मार्च तक आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए तो जाके वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका लोन 25 करोड़ से कम होना चाहिए, इसको बढ़ा के 50 करोड़ भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उनके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये जरूरी आप जान लें। सबसे पहला कि आपका जो लोन है जो अभी रुका हुआ है उसका पर्पस क्या है, आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण आप अपना EMI को नहीं पे कर पा रहे। तो इस टाइम मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स है उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो पैंडेमिक के कारण उनका बिजनेस, व्यापार, जॉब जो भी है बाधित हुआ है। उसके बारे में जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अटैच करना कभी ना भूले। आपके बैंक के ऑफिशियल मेल पे जाएं, वहां पे अटैच करके लेके जाएं, एक फाइल तैयार करें। अगर इसको आप ऑनलाइन कर रहे हो तो लिंक पे जाके ये डॉक्यूमेंट डालें। अगर ऑफलाइन कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, तो अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आपका बैंक अकाउंट, उसका डिटेल, लोन अकाउंट, उसका डिटेल, कब से आपने EMI नहीं पे किया है, किन कारणों से नहीं किया है, जॉब टर्मिनेशन है तो उसका लेटर चाहिए, अगर बैंक में कोई इशू आ रहा है उसका होगा, अगर आपका बिजनेस व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करा के, प्रिंट करा के, एक फाइल के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ आप सीधे अपने बैंक के मैनेजर से मिले। मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, आप अपने बैंक के मैनेजर से मिल सकते हैं। और ऑनलाइन डाल रहे हो तो वहाँ पर लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पर डाल दीजिएगा। सबसे पहले आप मैनेजर से मिले, अगर मैनेजर आपकी बात सुन रहा है तो ठीक, नहीं तो उसी पे गूगल पे जाइएगा, उनके हेड ऑफिस का भी मेल अवेलेबल होता है, जो भी आपका बैंक NBFC कंपनी है उस पे जाके वहां पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर वो ना सुने तो नोडल ऑफिसर तक जा सकते हो, क्योंकि लिंक प्रोवाइड होने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बैंक NBFC के तो आ भी गए, SBI के आ गए, HDFC बैंक के आ गए, और बहुत सारे बैंक के आ गए। जिस बैंक का NBFC का नहीं आया वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बैंक और NBFC कंपनी में जाके मिलना शुरू कीजिए। आप कमेंट में पूछते हो कैसे मिलेंगे, आप देखिए जब आप मिलोगे ना बैंक और NBFC कंपनी से, 80% सोल्यूशन तो आपको उसी समय मिल जाएगा, वो लोग आपको अच्छे से अप्रोच करेंगे। तो जल्द से जल्द, एक रिक्वेस्ट ही की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि अभी जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब हम अपने YouTube फैमिली को फैमिली बोलते हैं तो ये मीन करते हैं। आज का वीडियो इतना ही था कि जिनके पास अभी लग रहा है उनको जरूरत है, प्लीज एक बार जाके मिल लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक लीजिए हिंदू मात्र।